गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने किस बारे में पढ़ा था? अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, कि रिश्तों की समझ। हम हमारे फैमिली में रहते हैं, फैमिली किस किस के साथ रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, हमारे साथ हम उनका क्या रिश्ता है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। हमारे यहाँ पर टू फैमिलीज चलती है, एक जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन साथ रहते हैं? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, बुआ वगैरह, ये सब साथ रहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में केवल मदर, फादर और उनके चिल्ड्रन रहते हैं। ठीक है, तो यही हमने कल पढ़ा था। मैंने कल आपको एक ट्री बनाने के लिए भी दिया था, फैमिली ट्री। तो आज मैं आपको वो कैसे करके दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना होता है फैमिली ट्री। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 7, ये फैमिली जो ट्री है, ये है एक जॉइंट फैमिली का ट्री। ठीक है, जॉइंट फैमिली का ट्री है। यहाँ पे राम लाल है, राम लाल है जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर है, मतलब परदादाजी है। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादाजी होते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर है रामलाल जी, जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर है। ठीक है, इसके ग्रैंडफादर है रोशनलाल, रोशनलाल जी जो है पापा है। रोशन लाल के वो क्या है? पापा है, ये ग्रैंडफादर है किसी के अध्ययन का। आएगा संजय, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगी। ये है संजय, संजय ये है फादर, ओके। लास्ट में मछली है, कौन है ये? पूजा। पूजा का फैमिली ट्री है, जो पढ़ रहे हैं ना पूजा के बारे में, तो वो सेल्फ पूजा है, उसने भी फैमिली ट्री बताया है। ठीक है, ये पूजा है, पूजा के फादर का नाम है संजय, संजय के फादर का नाम है रोशनलाल, जो कि पूजा के लगे हुए ग्रैंडफादर। आपको बताइए, जैसे आपका नाम कुछ भी ले लो मोहित है, आपके पापा का नाम संजय है, तो उनके पापा का नाम मान लो रोशनलाल है, तो आपके क्या होगा? ग्रैंडफादर दादाजी लगे। और रोशनलाल के जो पिताजी है वो है रामलाल, वो आपके क्या हुए? ग्रेट ग्रैंडफादर। आपके घर में होगी ना परदादाजी, तो वो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हुए। ठीक है, जिनके भी घर में जैसा भी ट्री है वैसे बनाएगा। अब ग्रेट यहाँ पे है ऋषि भाई, ऋषि भाई है ग्रेट ग्रैंडमदर यानी परदादी। ग्रैंड ग्रैंडमदर ने पढ़ा दी है ऋषि भाई। ठीक है, इसकी पूजा की पढ़ा दी है लक्ष्मी देवी। ये होगी ग्रैंडमदर पूजा की, मीनू ये जो है पूजा की मदर है, और लास्ट में कौन आती है? पूजा जो कि सेल्फ है, सेल्फ है पूजा, ये खुद ही है। कल पूजा के पापा की तबीयत खराब हुई थी, आपने देखा था, तो वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि हमारे घर में सब लोग हैं। ठीक है, वो सब उनकी हेल्प करते हैं, दवाई दिलवाने में उनका इंतजाम करते हैं। नेहा ने कहा था तुम्हारे घर में कौन, तो नेहा को बता रही है, नेहा को उसने बताया कि मेरे घर में मेरे परदादा जी जिनका रामलाल नाम है, मेरे परदादा जी ग्रैंड ग्रैंड मदर उनका नाम ऋषि भाई है, फिर मेरे दादाजी जिनका नाम रोशनलाल है ग्रैंड फादर है, और फिर मेरे ग्रैंड मदर जिनका नाम लक्ष्मी देवी है। ठीक है, लक्ष्मी देवी है, फिर मेरे फादर है संजय, और मेरी मदर का नाम मीनू है, और एंड में मैं पूजा। ओके, आप समझ में आए? तो आपको ऐसे ही अपना एक फैमिली
फिर आपके ग्रैंड फादर के कितने सारे, मतलब आपके पापा और अंकल कितने भाई हैं, जैसे आपके पापा दो भाई हैं, आपके पापा और एक आपके अंकल, तो आप ऐसे एरो बनाएंगे संजय और एक एरो ऐसे बनाएंगे कि विपुल, ऐसे लिखेंगे। फिर आप वहाँ पे फादर लिखेंगे, वहाँ पर अंकल लिखेंगे, फिर आपके फादर मतलब आपके फादर के जितने भी चिल्ड्रंस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और आपके अंकल के जितने भी चिल्ड्रंस है वो आप यहाँ लिखेंगे, समझ गए। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। Now to draw your family tree with the help of your family, your family members. After coming back to her home, Neha asked her father, "Why don't our grandfather, grandmother, chacha, chachi live with us? Father, why has our family moved so far in the city? Can't we work together, stay in our village?" तो अब आधी अपने घर में ठीक बनाई है। अब घर पे आके जो नेहा है वो पूछ रही है, क्या पूछ रही है पापा को कि क्यों पापा मेरे अंकल आंटी मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हमारे साथ नहीं रहते, क्यों क्यों हमारी फैमिली बहुत दूर चली गई शहर में, क्यों हम एक साथ रहकर गांव में नहीं काम कर सकते, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अडॉप्शन पेज नंबर 8 पे आ जाइए आप, जिससे सारणी की पूछ रही है अडॉप्शन, वहां पे जाइए, अडॉप्शन मीन्स दूध लेना, ठीक है। Once during rainy season, Pooja and Neha went on a picnic at a place far away from their school. They enjoyed and played with their friends in the garden. Taking lunch in the garden, Arun, their classmate, asked Mayank, "Who is she with you?" ठीक है, adoption क्या आपको बता रहा है? Once एक बार क्या हुआ कि rainy season था, Pooja और Neha कहाँ चले गए? पिकनिक गए, जो कि उनके स्कूल से बड़ा दूर था पिकनिक वाला गार्डन, वहाँ वो चले गए, वहाँ पर उन्होंने खूब एंजॉय किया, खूब प्ले किया अपने दोस्तों के साथ गार्डन में, और अपना लंच भी साथ लेके चले गए, जैसे स्कूल आते हैं ना लंच साथ लेके, तो वो साथ में लंच कर रहे थे। वहीं पर उनका एक क्लासमेट था जिसका नाम था अरुण, और एक और था मयंक। तो अरुण क्लासमेट आस्क्ड द मयंक, मयंक से पूछता है, कौन पूछता है, अरुण पूछता है मयंक से कि हु इज शी विद यू, वो कौन है तुम्हारे साथ। अरुण ने मयंक से पूछा, अब मैं कह रहा है दिस इज माय यंगर सिस्टर, मैंने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है, और शी वाज नेवर सीन विद यू अर्लियर, तो अरुण ने कहा कि ये मैंने तुम्हारे साथ पहले तो कभी नहीं देखी, हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये तुम्हारे साथ अचानक कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, मैं शी इज न्यू टू आवर फैमिली, माय पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माय पेरेंट्स द सेम वे शी इज द डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, so this is my sister, she is very dear to me, she walks with me and imitates me. वो क्या कह रहा है कि she is new to our family, वो हमारी family में नहीं आई है, कहाँ से आई है, my parents have adopted her, मेरे मम्मी पापा ने उसको क्या किया, adopt किया है, बोल दिया है, just as I am the son of my parents, क्योंकि मैं मेरे मम्मा पापा का एक अकेला ही बच्चा हूँ, इसीलिए, so she is the daughter of my parents, तो मेरे पापा की बेटी बनी है, so this is my sister, मेरी बहन है, she is very dear to me, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, she walks with me, वो मेरे साथ आ गई, और मैं जैसे जैसा कर रहा हूँ मुझे कॉपी करते जा रही है। Who resembles whom? कौन किसके जैसा लगता है? अभी आप छोटे हैं तो कोई बोलते हैं ना कि आप आपके पापा पे गए, आपके मामा पे गए, आपके ग्रैंडफादर पे गए, आपके ग्रैंडमदर पे गए, आपके अंकल पे गए, आपके ग्रैंड पे गए, तो इसका कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन किसके जैसा लगता है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज, मामा जी मैरिज, हर मौसी जी ऑल्सो कम देयर, सो शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, ज्योति सैड मदर सी How beautiful is this doll? Oh, see, her nose resembles Nani's, her eyes resembles Chachi's, and her fair complexion is like that of grandfather. And complexion of her brother's face is bright, whitish. Okay? तो पूजा अपनी पूजा की सिस्टर ज्योति कहाँ चली गई? अपने मामा के साथ अपने मामा जी की शादी में गई, वहां पर उसकी मौसी जी भी आई हुई थी, उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी बेबी थी, ठीक है, वो कहती थी कितनी सुंदर है प्यारी सी गुड़िया, ओ देखो इसकी जो नाक है वो किससे मिलती है, नानी जी से मिलती है, उसकी आंखें किससे मिलती है, चाची से मिलती है, और उसका फेयर गोरा रंग गोरा है, वो गोरी थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, वो किसके जैसा था, ग्रैंड फादर जैसा, एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइक ऑन ब्रिटिश, और उसके भाई का जो रंग था वो थोड़ा गेहूं हुआ था, थोड़ा सांवला कलर था, लेकिन वो बहुत गोरी थी अपने दादाजी जैसे, तो उसकी नाक नानी जैसी थी, उसकी आंख के मामा जी जैसी थी, अंकल जैसी थी, तो वैसे बातें कर रही थी कि कौन किस पर गया है, ज्योति
ठीक है, ज्योति कह रही है मदर मदर इन माय क्लास प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल शी हैज बीन आल्सो अवार्डेड फॉर दिस आई आस्क्ड हर व्हाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड वी ऑल डू यूज आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग शी सेड आई डू ऑल माय वर्क विद माय लेफ्ट हैंड आई ट्राइड टू राइट विद माय राइट हैंड बट आई कुडंट ज्योति कह रही है कि मम्मी माँ मेरी क्लास में एक प्रीति हिलडी नाम की लड़की है जो कि अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है जो कि अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है बहुत ही सुंदर लिखती है उसे इसके लिए कई बार अवार्ड मिला हुआ है। अब मैंने उसे पूछा कि क्यों तुम अपने लेफ्ट हैंड से लिखती हो राइट हैंड से क्यों लिखती है हमारे जैसे बट वो कहती है कि आई डू ऑल माय वर्क विद माय लेफ्ट हैंड कि मैं अपना सारा काम अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ आई ट्राई टू राइट विद माय राइट हैंड बट आई कुडंट मैंने अपने राइट हैंड से लिखने की बहुत कोशिश की थी पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसे नहीं हो पाता। हम भी अभी आप सब लोग अपना राइट हैंड मिस करते हैं तो लेफ्ट हैंड मिस करते हैं लेकिन जब हमें कोई गलता के लिए अपना दूसरा वाला हाथ मिस करो तो नहीं हो पाता है ना क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स parental, grandparents and maternal grandparents. These features are called genetics. ठीक है, genetics features. These features are passed on from generation to generation. Children inherit some features from their environment which are not hereditary. Features. बच्चों में जो गुण होते हैं उनके नंश होते हैं जो उनके सब कुछ होता है कि उन्हें अपने मम्मा पापा से या फिर अपने दादा दादी से या फिर अपने नाना नानी से चाचा चाची से ही मिले होते हैं वो कहलाते हैं जेनेटिक्स फीचर यानी जीन्स कहलाते हैं हमारे पीढ़ी दर ये चलते हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब हमारे दादाजी से हमारे पापा को मिले हैं मम्मा नानी को हमारे मम्मा सॉरी नानी से हमारे मम्मा को मिले हैं दादाजी से पापा को मिले हैं फिर मम्मा पापा से हमको मिले हैं हमसे हमारे चिल्ड्रन से मिलेंगे तो हमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं और ये जेनेटिक्स कहलाते हैं जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक गुण क्या कहते हैं अनुवांशिक गुण और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वेगर जॉन मेंडल आपको पता होगा सर वेगर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने जीन्स के गुण मतलब आनुवंशिकी के गुणों की क्या की थी इन्वेंशन किया था उन्होंने खोज करी थी उन्होंने ये बताया था उन्होंने मटर के पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे ये पता लगा था कि जो हमारे गुण है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और इसी कारण उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसी में आगे हैं हमारे इंडिया से डॉक्टर हरगोविंद खुराना उन्होंने भी आनुवंशिकी में नए गुणों को खोजा था उन्होंने और आगे भी बताया था। ठीक है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, सर हरगोविंद खुराना Sarika did understand that we are like our parents or other members of our family, but why all monkeys are like? She was confused about this. ठीक है, Sarika ने समझ लिया कि हम हमारे parents की तरह दिखते हैं। ठीक है, कि हमारे parents की तरह दिखते हैं, पर हम सब बंदरों की तरह क्यों दिखते हैं? ये उसे समझ नहीं आया। Okay, तो आप इसे revise करें। Question answer मैं आपको बाद में बता दूँगी।